प्रदूषण, इसे आप समस्या कहिए या बीमारी का नाम दीजिए या फिर आप इसे जानलेवा रोग भी कह सकते हैं। आज प्राइम न्यूज में बात इसी प्रदूषण की होगी। दरअसल मेडिकल मैगजीन द लैंसेट के मुताबिक हर साल वायु प्रदूषण के कारण 10 लाख से ज्यादा भारतीय मारे जाते हैं, लेकिन इसे लेकर संजीदगी किसी में नहीं है। न सरकार संजीदा है, न प्रशासन संजीदा है और न ही संजीदा है हम लोग। प्रदूषण के मसले पर पिछले साल अदालत ने कहा था कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, तो इस साल दिवाली से पहले अदालत ने फिर दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाकर एक सख्त रुख अपनाया और ऐसा लगा कि इस बार दिल्ली की आबोहवा में जहर नहीं घुलेगा। लेकिन अदालत को कहां मालूम था कि दिल्ली के दिल वालों का दिल तो जिद्दी है, वो कहां मानने वाले। तो जनाब, दिवाली की रात जमकर दिल्ली की फिजाओं में घुलती रहे जहर और लोग खुश होते रहे। खैर, प्राइम न्यूज की इस पेशकश में आज जानिए कितना घुला दिल्ली की हवा में जहर, इस प्रदूषण के लिए किसे ठहराएं जिम्मेदार, क्या लोगों की जिद के आगे हार गई अदालत, इस अनजाने हत्यारे से क्या आपको नहीं लगता डर। ये भी समझना जरूरी है कि हर मिनट भारत में 2 जिंदगियां वायु प्रदूषण के कारण चली जाती हैं। ये सवाल बेहद अहम है। आज प्राइम न्यूज में आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सवाल दरअसल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो कोशिशें होनी चाहिए थी दिल्ली वालों की तरफ से, वो कोशिशें हुई नहीं। सवाल ये भी है कि पटाखों की बिक्री पर बैन दिल्ली और NCR में, इसके बावजूद इतनी ज़्यादा संख्या में अगर पटाखे लोगों के घरों तक पहुँचते हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर हम संजीदा हैं क्या। हर चीज़ के लिए हम सरकारों को जिम्मेदार तो ठहरा देते हैं, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली, इन तमाम चीज़ों को कटघरे में हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जनाब, अब बारी आ गई है कि हम खुद के गिरेबा में झांक कर देखें कि हम अपनी इस धरती के लिए, अपने इस पर्यावरण के लिए, अपने इस वातावरण के लिए, इसे सेफ रखने के लिए कितना संजीदा हैं। क्योंकि अगर ये सुरक्षित है तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित है, जिसको लेकर हम और आप शायद सोचते नहीं हैं, संजीदा हैं नहीं। देखिए रिपोर्ट। देश ने 18 अक्टूबर को दिवाली मनाई, वो पल याद किया जब श्री राम माँ सीता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लाए थे। इस साल दिवाली अयोध्या के लिए भी खास रही। आजादी के बाद शायद अयोध्या ने इतनी खास दिवाली पहली बार मनाई हो। सूबे के सरदार और राज्यपाल ने साथ में अयोध्या को दीपों से जगमग किया। ये दिवाली शायद देश के लिए भी खास रही। एक CM ने अयोध्या में दिवाली मनाई तो PM ने देश के सैनिकों के साथ मनाई। दिवाली तो दिल्ली वालों के लिए भी खास होने वाली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पटाखा फ्री दिवाली मनाने का आदेश जो दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कुछ सियासतदानों ने और धर्म के ठेकेदारों ने आलोचना भी की और इन सब चीजों से परे रहने वाले लोगों ने इस आदेश की सराहना भी खूब की। आलोचना करने वालों का मानना था कि हिंदू धर्म के त्योहारों में ही कानून याद आता है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जब श्रीराम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी, ना कि पटाखे और रॉकेट चलाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो लोगों को बस पटाखे जलाने से मना किया था, खुशियां मनाने और बांटने से नहीं। शायद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिल्ली वालों के सेहत के लिए भी था, क्योंकि दिल्ली को याद होगी पिछले साल की दिवाली जब प्रदूषण का स्तर 445 तक पहुंच गया था। दिवाली के बाद दिल्ली को धुंध ने अपने साए में ले लिया था। इस साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असर तो देखने को मिला, लेकिन कुछ खास नहीं। प्रदूषण तो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। दिवाली की अगली सुबह 20 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर 353 रहा। शायद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली की पिछली दिवाली अच्छे से याद होगी, तभी कोर्ट ने पहले ही आगाह किया था, पटाखे ना बेचने का आदेश भी दिया था। लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि कुछ सियासतदान और धर्म के ठेकेदार बीच में आ गए। वो प्रदूषण और पटाखों में भी लोगों को धर्म दिखाने लगे। वो बताने लगे कि दिवाली तो साल में एक बार आती है, तो एक दिन पटाखे फोड़ने से कौन सी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी कि लोग सांस नहीं ले पाएंगे। लोगों को भी दिवाली के प्रदूषण और आम दिनों के प्रदूषण में धर्म दिखाई देने लगा। वो भी मानने लगे कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने से शायद हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, शायद भगवान श्री राम नाराज हो जाएंगे। पटाखे तो हम जलाएंगे, एक दिन से कुछ खास होने वाला नहीं। लेकिन दिल्ली के लोग ये नहीं देख रहे कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है।
वो ये नहीं समझ रहे कि एक दिन पटाखे ना जलाने से शायद वो प्रदूषण को रोकने में थोड़ा योगदान दे पाएंगे। लेकिन पटाखों का धुआं तो हिंदू धर्म होता है ना, उससे कहां प्रदूषण होता है? ऐसा शायद लोगों के दिमाग में भरा गया। सुप्रीम कोर्ट के सलाह को ना मानते हुए पटाखे जलाए और परिणाम सबके सामने है। अब सांसों के साथ कितने प्रदूषण के कण अंदर जा रहे हैं, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या हुआ, पटाखे तो जला दिए, शायद किसी के लिए पटाखों का मोल जान से ज्यादा हो। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। देश की राजधानी है दिल्ली, और इसी दिल्ली को पिछले साल गैस का चैम्बर घोषित कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन यथास्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब आप पूरे दिल्ली को टटोलेंगे तो अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन का लेवल अलग अलग तरीके का है। इसे भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पूरे दिल्ली ने इस उत्सव को मनाया, लेकिन इस उत्सव के जो असल मायने हैं उसे टटोलने की कोशिश किसी ने की नहीं। तो ज़रा पूरी दिल्ली का हाल देखिए, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन का लेवल किस तरीके का है। दिवाली बीत गई, पटाखे भी जल गए, राम जी भी याद किए गए, खुशियां भी मनाई गई, लेकिन ये वो खुशियां नहीं थी जो राम जी की याद में मनाई गई, बल्कि ये वो खुशियां थी जो पटाखों के धुएं और सांसों को रोक देने वाले प्रदूषण के बीच मनाई गई। दिवाली की अगली सुबह सूरज तमाम उम्मीदों के साथ निकला था, लेकिन सूरज की किरणों के साथ निकली ये उम्मीदी नाउम्मीदी में तब्दील हो गई जब दिल्ली के माहौल में धुंध का साया नजर आने लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखते हुए खूब आतिशबाजी हुई, और आदेश का पालन न करने की सजा भी अगली सुबह मिल गई। धुंध में लिपटे दिल्ली की सड़कों पर तमाम जिंदगियां अपनी सांसों से जंग लड़ती हुई अपनी मंजिल की तलाश में भटक रही थी। लेकिन रात के बाद प्रदूषण ने अगली सुबह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आम दिनों के मुकाबले प्रदूषण का स्तर 24 गुना तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी DPCC ने सुबह 6 बजे जो आंकड़े पेश किए उससे साफ पता चला कि दिल्ली की हवा बुरी तरह से प्रदूषित है। सुबह 6 बजे अलग अलग जगहों पर प्रदूषण अपने सामान्य स्तर से कई गुना ज्यादा था। आंकड़ों पर गौर करें तो PM 2.5 का स्तर PM 10 से कई गुना ज्यादा था। PM 2.5 वो महीन कण है जो हमारे फेफड़ों के आखिरी सिरे तक पहुंच जाते हैं, कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। 2.5 का स्तर इंडिया गेट पर 15 गुना से भी ज्यादा था। अगर 20 अक्टूबर की सुबह की बात करें तो दिल्ली में सुबह 5 बजे PM 2.5 का स्तर 636 था, PM 10 का स्तर 872 था। वहीं आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 465 था, PM 10 का स्तर 999 था। मंदिर मार्ग में PM 2.5 का स्तर 404 था, तो PM 10 का स्तर 941 था। जबकि पंजाबी बाग में PM 2.5 का स्तर 336 था, तो PM 10 का स्तर 999 था। हवा में अगर PM 2.5 का स्तर 60 से ज्यादा हो तो हवा सांस लेने लायक नहीं मानी जाती। PM 10 का स्तर 100 से ज्यादा हो तो वो खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से दिल्ली की आबोहवा पर पेश की गई ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट को शायद स्थिति का अंदाजा पहले से था, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था, लेकिन सियासतदानों और धर्म के ठेकेदारों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक नया जरिया मिल गया था। शायद ये वो जरिया था जिसकी आड़ में अपनी दुकान भी चलाई जा सकती थी और धर्म को खूब बेचा भी जा सकता था। लेकिन अगर कुछ नहीं किया जा सकता था तो वो था लोगों की सेहत का ख्याल। पता था उन चंद ठेकेदारों को भी दिवाली के बाद प्रदूषण की जद में सभी आएंगे, लेकिन शायद वो ये सोचकर चुप नहीं हुए कि दिवाली तो एक बार आती है तो अपनी दुकान चलाने का अवसर भी एक ही बार आएगा। दुकान भी खूब चली, पटाखे भी खूब जले, लेकिन अब जल रही है दिल्ली, और जल रही है दिल्ली में चल रही जिंदगियां। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। जी, जल रही है दिल्ली, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, जिम्मेदार न्यायालय भी नहीं है, जिम्मेदार हैं आप और हम जैसे दिल्ली के निवासी जिन्होंने जमकर आतिशबाजी की और ये दिखाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट भी महज सिर्फ कह सकता है, कुछ कर नहीं सकता। इससे इतर अगर हम पूरे दिल्ली के हाल को जिस तरीके से समझ रहे थे उससे भी एक तस्वीर और उभर कर सामने आती है कि आखिर किस तरीके से अपनी दिल्ली को बचाएं।
प्रदूषण के स्तर की अगर हम बात करें, अलग अलग तरह के स्तर हैं, लेकिन आने वाले 3 दिनों तक अगर हम आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों के लिहाज से समझें, तो भी दिल्ली का हाल बुरा होगा। आज अब सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए आप अगर निकले होंगे तो आपको भी धुंध नजर आई होगी, साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कतों का सामना हो सकता है कि आपको करना पड़ा हो। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार को मत ठहराइएगा, इसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी हैं, और हमारी भी भागीदारी दिल्ली के इस हाल को बिगाड़ने में उतनी ही। आगे आने वाले दिनों में दिल्ली को स्मॉग का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारें भी पराली जलाने के तमाम उपाय करने के बावजूद किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, तो पराली का धुआं भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे भी दिल्ली वालों को दो चार करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि हम कब जागेंगे अपने पर्यावरण के लिए। लेकिन आपको जगाने के लिए ही ये 4 स्तर होते हैं पॉल्यूशन के, जरा इनको समझाते हैं। जब शरीर के किसी हिस्से में हुई बीमारी नासूर बन जाती है तो शरीर के उस हिस्से को शरीर से अलग करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बीमारी ऐसी हो जो पूरे शरीर के लिए नासूर बन जाए तब क्या होगा? जी हाँ, जिस तरह शरीर के किसी हिस्से को अलग करना पड़ता है, वैसे ही जान भी गंवानी पड़ सकती है। और प्रदूषण का स्तर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन बढ़ता प्रदूषण भी नासूर बन जाएगा, और ये प्रदूषण एक ओर से सभी को अपनी जद में लेना शुरू करेगा। तब ये न पराली देखेगा न दीवाली। हो सकता है इस बात को समझने के लिए प्रदूषण को 4 स्तरों में बांटा जा सकता है। आप भी समझिए प्रदूषण किस स्तर को। प्रदूषण का पहला स्तर खराब PM 2.5 का स्तर 91 से 120 तक, या PM 10 का स्तर 251 से 350 के बीच। दूसरा स्तर बहुत खराब, जब PM 2.5 का इंडेक्स 121 से या PM 10 का स्तर 351 से 340 के बीच हो। तीसरा स्तर गंभीर स्थिति, जब PM 2.5 का इंडेक्स 250 से ऊपर या PM 10 का स्तर 430 से ऊपर चला जाए। चौथा स्तर अति गंभीर या आपात स्थिति, PM 2.5 का इंडेक्स 300 या PM 10 का स्तर 500 के ऊपर चला जाए। ये प्रदूषण के वो 4 स्तर हैं जो एक के बाद एक खतरनाक होते चले जाते हैं, और जब प्रदूषण के ये 4 स्तर अपनी सीमा से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये नासूर ही साबित होंगे, और तब जाहिर तौर पर इसकी जद में हम भी आएंगे और आप भी। तब इस नासूर बीमारी से बचने के लिए शायद हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी और आपको भी। और अगर समय रहते प्रदूषण के इस स्तर को नहीं समझा गया तो नतीजा जल्द ही सामने होगा, और इस नतीजे के गवाह एक बार फिर हम सब बनेंगे। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। जी, जद में आप भी होंगे, हम भी होंगे। बार बार ये बात हम कहना चाह रहे हैं क्योंकि शायद हमारे कहने से, मीडिया के कहने से, सोशल मीडिया के कहने से आप तक ये बात पहुंचे, क्योंकि अभी तक ये बात पहुंच नहीं रही है। हर साल 10 लाख भारतीय इस प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। 2 लोग हर दिन मरते हैं दिल्ली में इस वायु प्रदूषण की वजह से, तो गंभीर होना जरूरी है। लेकिन विश्व के 9 ऐसे शहर जहां सांस लेने लायक हवा बची नहीं है, जरा देखिए। सर्दियों के शुरू होते ही दिल्ली की फिजा में स्मॉग का कहर देखने को मिलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के कहर से सिर्फ दिल्ली ही परेशान है। दरअसल भारत के अलावा पूरा विश्व कमोबेश इस समस्या का सामना कर रहा है। आइए जरा विश्व के उन 9 खतरनाक शहरों को जानते हैं जहां सांस लेना मुश्किल है। नई दिल्ली में पिछले 30 सालों में वाहनों की संख्या लगभग 1,80,000 से बढ़कर 35 लाख हो गई है। गाड़ियों के अलावा शहर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट प्रदूषण का अहम कारण है। कुल वायु प्रदूषण में 80% का हाथ इन्हीं का है। उलान बतौर मंगोलिया। मंगोलिया का उलान बतौर न सिर्फ सबसे ठंडी राजधानी है बल्कि यहां वायु प्रदूषण भी भयंकर है। शहर में धुंध का 70% हिस्सा सर्दी के महीनों में कोयला और लकड़ी जलाने से होता है। यहां वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनों के सांस लेने के लिए सुरक्षित पैमानों से 7 गुना ज्यादा है। बीजिंग, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में धुंध का ये हाल है
कि वैज्ञानिक इसे रिहाइश के लिए लगभग असुरक्षित घोषित कर चुके हैं। हालांकि यहां 2 करोड़ लोग रहते हैं। अनुमान है कि लगभग 35 लाख लोग हर साल दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण जान गंवा रहे हैं। इनमें से आधे मामले चीन के हैं। लाहौर, पाकिस्तान। वायु प्रदूषण पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जलवायु समस्या है। लाहौर में हालत सबसे ज्यादा खराब है। आसपास के मरुस्थल से आने वाली रेत के अलावा धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं यहां प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। रियाद, सऊदी अरब। रियाद में तेल के तूफानों से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। सऊदी अरब में पैराबैंगनी किरणें यातायात और औद्योगिक धुएं से मिलकर ओजोन बनाती हैं। काहिरा, मिस्र। काहिरा में वायु प्रदूषण के कारण शहरियों में कई तरह की श्वास संबंधी बीमारियां पाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की बड़ी वजह शहर में बढ़ रहा यातायात और औद्योगिक विस्तार है। ढाका, बांग्लादेश। जर्मन शहर माइंस के मास्क प्लांट इंस्टीट्यूट के मुताबिक ढाका में हर साल करीब 15,000 लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक यहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा है। मॉस्को, रूस। मॉस्को में धुंध की वजह वायु में हाइड्रोकार्बन का उच्च स्तर है। मॉस्को से गुजरने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण शहर के पश्चिमी भाग में वायु पूर्वी भाग से बेहतर है। मेक्सिको शहर। मेक्सिको शहर 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। हवा में हाइड्रोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण काफी लंबे समय तक मेक्सिको को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता रहा। कुछ फैक्ट्रियों को बंद किए जाने और यातायात नियमों में परिवर्तन से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। जी तो ये एक वैश्विक समस्या है, सबको जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे अपना कल बर्बाद करेंगे, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कल बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए सोचिए। पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।